Hello viewers, today I am going to tell you about a 7 best app to animate photo on Android and iPhone. Android और iPhone पे animation करने के लिए आपको photo को 7 best apps हम बताने वाले हैं, जिसमें पहला है Pixaloo, दूसरा है Bourbon, थर्ड तीसरा है Giphy, चौथा है ImagePlay, पांचवा MoviePic, motion photo motion के लिए Stories at photo motion के लिए और photo Blender. तो वन बाय वन इसको जानते हैं. Pixaloo इज अ फ्री प्रो एंड सब्सक्रिप्शन वर्जन. ये फ्री भी है और सब्सक्रिप्शन वर्जन भी है. और सबसे अच्छी बात है कि इसमें वॉटरमार्क नहीं लगता है. द ऐप प्राइमरी पर्पज इज एनिमेटिंग स्टिल फोटो एंड टर्निंग देम इनटू शॉर्ट वीडियो. और इसमें जो एनिमेशन बनता है फोटो से वो शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. यू डू दिस बाय प्रोग्रामिंग डायरेक्शनल क्यूज इनटू योर इमेज बाय ड्रैगिंग योर थंब अक्रॉस द स्क्रीन. जब आप अपने थंब को अक्रॉस द स्क्रीन ड्रैग करते हैं तो प्रोग्रामिंग डायरेक्शन आपको मिलता है, जिसके थ्रू आप इमेज को एनिमेट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फ्रीज अ पार्ट ऑफ अ इमेज. कुछ इमेज के पार्ट को आप फ्रीज भी कर सकते हैं. एंड अप्लाई फिल्टर ऑन टॉप ऑफ योर पिक्चर टू क्रिएट एन एटमोसफियर विद इन योर इमेज. और टॉप में फिल्टर को आप अप्लाई करके एक एटमॉस्फियर इमेज में क्रिएट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा और फ्री ऐप है. दूसरा है Bourbon, एक्ट एज ए Pixaloo. ऐसा ही होता है, लेकिन पर्पज इज टू एनिमेट योर फोटो एंड वाइल बेसिक अकाउंट इज फ्री ऐप परचेज आर ऑल्सो अवेलेबल. एक इसका बेसिक अकाउंट तो फ्री होता है, लेकिन परचेज वर्जन भी पाया जाता है. और मोस्ट वर्बल एनिमेशन आर डन थ्रू द फिल्टर इफेक्ट एंड दैट यू कैन डू ऑन टॉप ऑफ योर पिक्चर. और अपने पिक्चर पे आप फिल्टर इफेक्ट लगा के इसके एनिमेशन का काम कर सकती हैं. इट ऑटोमेटिकली सेव दिस पिक्चर एज अ जिप. और ये पिक्चर जिप के फॉर्म में सेव हो जाती है. सो दे आर रेडी टू यूज ऑनलाइन. अब इसको आप ऑनलाइन तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप और कहीं यूज करना चाहते हैं तो उसमें वाटर मार्क लग जाता है. सो उसको फिर आपको पे करना पड़ता है. Giphy है, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि जिप फाइल बनाने के लिए Giphy यूज़ किया जाता है. Giphy हैज़ अ मोबाइल ऐप वन दैट अलाउ यू टू क्रिएट योर ओन जिप एनिमेट फोटो. यू कैन अपलोड देम बाय यूजिंग देयर बिल्ट इन एनिमेशन टूल ऑन द प्लेटफॉर्म. Giphy जो होता है वो मोबाइल ऐप है, जिप फाइल बनाने के लिए यूज होता है, जिसमें बिल्ट इन एनिमेटेड टूल होता है जिसको यूज करके आप जिप फाइल बना सकते हैं. इज इंक्लूड अ स्टिकर मेकर अवेलेबल इन आईफोन एक्स एंड लेटर. एंड यू कैन ऑल्सो एड कैप्शन टू योर एनिमेटेड फोटो ऑन शूट योर ओन शॉर्ट वीडियो. अब इसमें आप कैप्शन भी लगा सकते हैं और शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं आईफोन पे. Image Play, it's create ready to use animated photo for the web and has advanced easy to understand. Image Play जो होता है आपका वेब पेज के एनिमेशन को बनाने के लिए यूज होता है. Unfortunately, it also sticks a water, लेकिन इस पर वाटर मार्क लग जाता है. That you can't remove unless you upgrade to full account. और उसको आप नहीं हटा सकते जबकि अपग्रेड अकाउंट ना लीजिए. In Image Play, the process of making animated photo and GIFs can be done a couple of different ways. You can lay out a still photograph side by side and burst photo or video. और इसमें GIF आप कई तरह से बना सकती हैं, जिसमें कि आप side by side photo पे रख करके photo को burst करके video बना सकते हैं. MoviePic Photo Motion. This app is similar to Pixaloo in that animate photos, but large chunk of this animation can be done with its built-in overlay and filter. ये Pixaloo जैसा होता है, लेकिन ज़्यादातर animation filter और overlay से बनता है. You can't remove the watermark without upgrading. और इसमें आप watermark लग जाता है, जिसको जबकि VIP कोटा नहीं लेते आप तब तक वो नहीं हटाया जा सकता. Movie also automatically save your picture as a movie file instead of JPEG. और आपकी फाइल जो होती है मूवी फाइल के फॉर्म में सेव होती है, ना कि जिप के फॉर्म में. स्टोरीज एट फोटो मोशन, इट्स वर्क विद स्टिल फोटोग्राफ दैट एनिमेट देम एंड डज दिस थ्रू प्रोग्राम पार्ट ऑफ द मूवी कलर फिल्टर एंड ओवरले. अ लॉट ऑफ विच आर फ्री एंड रियली अमेजिंग. इट सेव योर फाइल ऑटोमेटिकली एज अ जिप.
ये सारा काम फोटोग्राफ का एनिमेट करने का करता है। जो प्रोग्राम आपको मिलता है उसमें उसके थ्रू आप मूवमेंट, कलर, फिल्टर और ओवरले लगा सकते हैं और ऑटोमेटिकली फाइल जिप फॉर्म में सेव हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग स्टोरी जेड इज दैट यू कैन रिमूव अ वाटर मार्क, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप वाटर मार्क को हटा सकते हैं। इफ यू सिंपली वॉच अ क्विक एड बिफोर यू सेव द फाइल, और उसको करने के लिए आपको इनके कुछ एड देखने पड़ेंगे कि वाटर मार्क हट जाए। फोटो ब्लेंडर, फोटो ब्लेंडर इज एंड्रॉयड स्पेसिफिक ऐप दैट अलाउ यू टू डिजिटली रैप योर इमेज टू एनिमेट फोटो, आपकी इमेज को रैप करके एनिमेट करती है फोटो को। यू कैन डू दिस बाय कलरिंग योर इमेज, ब्लेंडिंग इट, स्ट्रेचिंग इट यूजिंग ब्रश, और ये आप कर सकते हैं ब्लेंडिंग से, स्ट्रेचिंग से और ब्रश को यूज करके, कलर करके, और ये कई फॉर्म में सेव होता है तो ये बहुत अच्छा है। You can export your photo as a MP4, JIF, JPEG और PNG. Movie form में भी करता है, JIF form में भी करता है, और photo और PNG form में भी करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। Pixaloop के बाद Pixaloop तो अच्छा है ये, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। So this is all today viewers. If you like it, please share and subscribe. Thank you.